प्रदेश में 24 घंटे में मिले 45,892 नए कोरोना संक्रमित, 817 की हुई मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। सारावानों को सोनिया गांधी ने लिखा पत्र, कहा दिलीप कुमार अपने जीवन काल में एक लेजेंड थे, भविष्य में भी रहे। मध्य प्रदेश में कल से आरएसएस प्रचारकों की बैठक, चित्रकूट में होगा संघ का चिंतन शिविर। बार एसोसिएशन ने सीजेआई एनवी रमना को लिखा पत्र, सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू करने का किया अनुरोध। नितिन गडकरी ने दिया बयान, कहा 2025 से पहले देश में सड़क हादसों में 50% कमी लाने का है लक्ष्य। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। पूरे देश के साथ रीवा में भी किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने पर बैठे किसान नेताओं का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कोई अंकुश नहीं है और कीमतें आसमान छू रही हैं। वहीं घरेलू गैस की कीमतें पिछले 2 महीने में तेजी से बढ़ी हैं, जिससे आम आदमी के घर का बजट बिगड़ गया है, जो काफी निंदनीय है। साथ ही इनका कहना है कि केंद्र की सरकार ने ऐसा महंगाई का तांडव मचाया है जिससे पूरा देश परेशान है। किसान से लेकर आम आदमी, गरीब यात्री, सभी इस महंगाई के चलते परेशान है। सभी पर महंगाई की मार पड़ी है, बसों का किराया डबल हो गया है, किसान का डीजल महंगा हो गया है, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, जिसके चलते पूरा देश महंगाई की लड़ाई में जनता के साथ खड़ा हुआ है। इसीलिए इस महंगाई के विरोध में पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है और सरकार से मांग की गई है कि इन बढ़ते दामों को कम करने के साथ ही तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। ये मोदी हुकूमत ने पूरे देश में ऐसा महंगाई का तांडव मचाया है कि आज पूरा देश महंगाई से त्रस्त है। देश का चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे यात्री हो, चाहे आम नागरिक हो, सारे लोगों पर महंगाई की डबल मार है। जहां 100 रुपये बसों का किराया था, ट्रेन का किराया था, वहां 150 से 200 रुपये किराया हो गया है। किसान का डीजल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, रसोई पर हमला किया गया है, रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। तो आज पूरे देश का किसान पूरे देश के इस महंगाई के लड़ाई में शामिल है और पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर ये तो रीवा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर महंगाई को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि घरेलू गैस की कीमतें पिछले 2 महीने में तेजी से बढ़ी हैं, जिससे आम आदमी पार्टी के घर का लगातार बजट बढ़ रहा है और काफी निंदनीय है। इनका कहना है कि केंद्र सरकार ने ऐसा महंगाई का तांडव मचाया है जिससे पूरा देश परेशान है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद समीम। तो समीम जी, क्या कुछ कहना, जिस तरह से किसान लगातार प्रदर्शन करते जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? वो किसान का मुद्दा यही है कि जो काला कानून जो पेश किया गया कि मुझे काला कानून, इनको सरकार को वापस लेना चाहिए। अगर सरकार नहीं लेती है, इसके लिए हम आंदोलन जब तक वापस नहीं लेंगे, जब तक हमारी आंदोलन वह जारी रहेगी। मोहम्मद समीम, जिस तरह से लगातार किसान ये बात कह रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून है उसको वापस लिया जाए, साथ ही साथ जिस तरह से सरकार लगातार जो दाम बढ़ा रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो या फिर घरेलू गैस हो, इसको लेकर भी लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? जो किसान जो महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि आम जनता तो बहुत परेशान है, जो मीडियम लोग हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है, गरीब तबका तो वहां तक कुछ सामान लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ खरीद सकते हैं, इतनी महंगाई हो गई तो लोग समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें लोग। जुड़ने के लिए तो रीवा से आपको ये खबर बता रहे थे, जहां पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उसको सरकार कम करे। आज इस महंगाई के विरोध में पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है और सरकार से मांग भी की जा रही है कि इन बढ़ते दामों को कम करने के साथ ही तीनों कृषि कानूनों को भी रद्द किया जाए।
रुकरते अगली खबर की ओर। आष्टा नगर के वरिष्ठ युवा कांग्रेस नेता व पूर्व आईटी सेल कांग्रेस जिला अध्यक्ष पुनीत तिवारी का स्थानीय कांग्रेस ने सिविल अस्पताल में जन्मदिन प्रथम जयंती के रूप में मनाया है। इस दौरान पुनीत तिवारी के चित्र पर लोगों ने माल्यार्पण किया और अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल भी बांटे हैं। साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा सरकार नर्सों पर सहानुभूति की बजाय दमन करना चाहती है। संकटकाल के दौरान पूर्व में कर्मचारियों को ड्यूटी करने पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाती थी और ये दुर्भाग्य है कि मोदी और शिवराज सरकार के राज में कटौती की जा रही है। वहीं श्री ठाकुर सहित अन्य कांग्रेस जन ने नर्सों की मांगे सरकार द्वारा माने नहीं करने पर नर्सों के साथ सड़क पर आंदोलन करने की मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है। वहीं इस अवसर पर अनेक कांग्रेस जन व आमजन भी उपस्थित रहे हैं। आज पूरी कांग्रेस पार्टी पूर्व जनपद अध्यक्ष के सहित हमारे कांग्रेस के पूरे वरिष्ठ नेता हम सब लोग नर्सों के समर्थन में हैं और नर्सों के समर्थन में इसलिए हैं कि इस कोरोना काल के दौरान अगर सबसे कोई प्राथमिक कोरोना वेरिएंट था तो वो नर्सेस थी और उनकी मांग के लिए वो 30 तारीख से हड़ताल कर रही। आप समझिए कि इतने कठिन समय के अंदर अगर नर्सों को हड़ताल करनी पड़ जाए तो मुझे उस सरकार के ऊपर धार के टांडा थाना क्षेत्र में एक 8 साल की मासूम बच्ची को जंगली जानवर उठा कर ले गए। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस और वन विभाग को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने बच्ची की खोजबीन शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस को बच्ची का शव बरामद हुआ। वहीं बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले की पुलिस का लगातार ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर रात में जानवर उठा के ले आया। अच्छा, जानवर लेके उठा के उसको, है ना? तो सुबह पता चला? कितनी उम्र होगी उसकी? 8-1 साल होगी सर। अच्छा, 8 साल के बाद में। तो आदिवासी समाज के हो? को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 3 महीने से फरार चल रहे 376 के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी बलात्कार के मामले में 3 महीने से फरार चल रहा था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि नौकरी दिलवाने के नाम पर उससे दोस्ती की और उसके 34 लाख रुपए भी ठग लिए और कई बार उसका दैहिक शोषण भी किया गया है। वह इस मामले में पीड़िता ने आरोपी की पत्नी के खिलाफ भी केस दर्ज करवाया था। फिलहाल आरोपी की पत्नी अभी फरार है और पुलिस लगातार मामले की जाँच में जुटी हुई है। आरोपी मनोज जैन और उसकी पत्नी विनीता जैन दोनों ने मिलकर उसका शारीरिक और आर्थिक रूप से शोषण किया है। उससे करीबन 34 लाख रुपए भी ले लिए और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध भी बनाए मनोज जैन के द्वारा, जिसपे से अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी की तलाश लगातार जारी थी। विनीता जैन की माननीय उच्च न्यायालय से भी बेल अग्रिम जमानत जो है वो खारिज हो चुकी थी। इसके चलते आरोपी मनोज जैन पेश हुआ, जिसको विधिवत गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय के समक्ष आज पेश। वही मंदसौर से रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल नाहरगढ़ थाने में कुछ दिन पहले एक पीड़िता ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। तब से आरोपी युवक फरार चल रहा था। वहीं आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम का गठन किया और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार करने के बाद आरोपी को सीतामऊ कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से नाहरगढ़ पुलिस को 2 दिन का रिमांड दिया गया है, जिसमें पूरे प्रकरण को लेकर आरोपी से पूछताछ की जाएगी। साथ ही आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला भी दर्ज किया गया है। के अपराध क्रमांक 255/21 में फरार आरोपी दशरथ पिता फकीर चंद 24 साल निवासी ताल को उप निरीक्षक विकास गहलोत और उनके साथ सदस्य विजय सिंह चौहान दीपक साखला के द्वारा बड़वन फंटे से आने की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसको माननीय सीतामऊ कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसका 2 दिन का PR लिया गया।
खबर रतलाम से है, जहां स्टेशन रोड पुलिस थाने पर पदस्थ महिला एसआई कविता सोलंकनी ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि महिला ने बीते दिनों जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। परिजनों ने महिला को अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। चाहूँगा कि रतलाम जिले में थाना स्टेशन रोड पे सब इंस्पेक्टर कविता सोलंकी 2017 से पोस्टेड थी। 2017 बैच की सब इंस्पेक्टर रहेंगी। ये 3 जुलाई से अवकाश पे थी। कल इनको अवकाश से आमद देनी थी, जहाँ पर इन्होंने अपने आवास पे आने के बाद एक आरक्षक को फ़ोन करके अवगत कराया कि उनकी तबीयत खराब लग रही है, उन्हें उल्टी हो रही है, उनको अस्पताल ले जाना है। इस सूचना आरक्षक ने अधिकारियों से साझा की। तत्काल थाना प्रभारी सीएसपी सब लोग पहुँचे और इनको अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां इन्होंने स्वयं के द्वारा सल्फास खाना बताया। वहां एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष इनका डीडी कराया गया, और जिसमें भी उन्होंने स्वयं के द्वारा सल्फास खाना बताया। और इसके बाद इनके घर में भी सुसाइड नोट मिला, जिसमें इन्होंने अपने माता पिता के लिए पत्र लिखा है कि इनकी उम्र हो गई है 35 साल की, लेकिन अभी तक शादी नहीं हो रही है। से आपको यह खबर बता रहे, जहां पर महिला ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि उसके बाद महिला के परिजनों ने उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी पुलिस ने शुरू कर दी है। वहीं रायसेन के बेगमगंज थाना क्षेत्र में अंकुर अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका ने 3,000 पौधे लगाए हैं। वहीं सीएमओ धीरज शर्मा ने बताया कि यह अभियान 7 दिवस तक चलेगा। इसमें शहर के 11 चिन्हित स्थानों पर लगभग 3,000 पौधारोपण किए जाएंगे। कार्यक्रम में विशेष रूप से मुख्य नगर पालिका अधिकारी धीरज शर्मा, एसडीओपी सुनील कुमार व थाना प्रभारी इंद्रजीत सिंह समेत समस्त स्टाफ उपस्थित रहा है। तो रायसेन से ही खबर है, जहां पर अंकुर अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और इस आयोजन के दौरान नगर पालिका ने 3,000 पौधे भी लगाए हैं। वहीं सीएमओ धीरज शर्मा ने ये बताया है कि ये अभियान 7 दिनों तक चलेगा। इसमें शहर के 11 चिन्हित स्थानों पर लगभग 3,000 पौधारोपण किए जाएंगे। वहीं कार्यक्रम में विशेष रूप से मुख्य नगर पालिका अधिकारी धीरज शर्मा, एसडीओपी सुनील कुमार व थाना प्रभारी इंद्रजीत सिंह समेत समस्त स्टाफ उपस्थित रहे हैं। जून में शासन के निर्देश अनुसार बहुत ही बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। एक महाअभियान है जो अंकुर अभियान नाम से पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत माननीय विधायक जी के निर्देश पर जो है हमने फल मतलब पेड़ों का जो चयन किया और उस आधार पर लगभग 3,000 वृक्ष छायादार और फलदार वृक्ष जो है शहर के 11 स्थानों पर लगाने जा रहे हैं। जो कार्यक्रम हमारा 7 दिन चलेगा, 7 जुलाई से लेकर लगातार। कल भी जो है पूरा समाज के जो नेतृत्व है, कमल साहू जी हैं, ताम्रकार जी हैं और भी जो कार्यकर्ता थे, सभी लोग आए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मुकेश। तो मुकेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है जिस तरह से जिले में ये अंकुर अभियान चलाया जा रहा है? जी, जैसा कि मैं बता दूं, रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील से नगर पालिका अभियान द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में अंकुर अभियान पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें नगर बेगमगंज में लगभग 3,000 पौधारोपण फलदार और वृक्षदार छायादार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। जी। मुकेश, किन स्थानों को चिन्हित किया गया है इसमें विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो? जी, 11 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिनको 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक ये अभियान चलाया जाएगा। जी बहुत धन्यवाद मुकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रायसेन से ये खबर आपको बता रहे थे, जहां पर बेगमगंज थाना क्षेत्र में अंकुर अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है।
जिसमें नगर पालिका ने 3000 पौधे लगाए हैं। वहीं सीएमओ धीरज शर्मा ने ये बताया है कि अभियान 7 दिनों तक चलाया जाएगा। इसमें शहर के 11 चिन्हित स्थानों पर लगभग 3000 पौधारोपण किए जाएंगे। कार्यक्रम में विशेष रूप से मुख्य नगर पालिका अधिकारी धीरज शर्मा, एसडीओपी सुनील कुमार व थाना प्रभारी इंद्रजीत सिंह समेत समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर ये सिंगरौली से है, जहां पर सरई थाना क्षेत्र में एक दबंग ने पंचायत की सड़क को अपने ट्रैक्टर से जुतवा दिया है और अब उस सड़क पर फसल उगाने की भी तैयारी लगातार जारी है। लोगों ने नाराज होकर इस मामले की शिकायत पुलिस से भी की, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मैं राजन प्रसाद जायसवाल, पिता जगलाल जायसवाल के द्वारा ये आज 200 साल से रोड बना हुआ है, जिसमें अपने स्वयं का ट्रैक्टर से जुताई कर दिए हैं। इसलिए क्योंकि इसमें आवागमन हम लोगों का पूरी तरह से बंद है और बरसात के समय में है और हम लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी है।